दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पर कितने यादव हैं और कितने मुसलमान हैं। इसको यहां से समझाना मैं शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में एडीजी जोन का कोई भी अधिकारी यादव और मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में आईजी रेंज का कोई भी अधिकारी यादव और मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी मंडलायुक्त या कमिश्नर यादव और मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी जिलाधिकारी यादव और मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस आयुक्त या कमिश्नर कह लें यादव और मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी एसपी कोई भी एसएसपी यादव नहीं है। एक मुस्लिम मात्र अधिकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनका नाम है ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक। अब देखिए उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और 75 जिले में तमाम अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। और मैं जिन अधिकारियों का चयन यहां पर किया हूं ये वो अधिकारी हैं जिनका काम उत्तर प्रदेश और जिले की व्यवस्था को बनाए रखना होता है, जिसमें जिले के जिलाधिकारी और जिले के कप्तान शामिल होते हैं। मैंने इसमें एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर और पुलिस आयुक्त तक को शामिल किया है। लेकिन इन तमाम बड़े पदों पर जिनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसमें एक भी यादव नहीं है और एकमात्र मुसलमान है। अब सवाल दोस्तों यह बनता है कि सवाल नंबर एक यह है कि क्या यादव और मुसलमान आईएएस आईपीएस इस योग्य नहीं है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी बड़े पद पर बैठाया जा सके। सवाल नंबर दो है कि क्या यादव और मुसलमान आईएएस आईपीएस राजनीतिक भेदभाव का शिकार बने हैं। ये दो सवाल है, ये दो सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कर रहा हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये आंकड़े कहां से आए हैं, तो ये आंकड़े up.nic.in पर आ जाएंगे। अपने जिले का नाम लिखेंगे आप तो जिले के कौन से अधिकारी कौन से जाति के हैं ये तमाम चीजें उस पर पता चल जाएंगी, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं। सोशल मीडिया सहित तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर यह खबर है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा के, उसमें जो 10 विधानसभा के चुनाव में जो अधिकारी नियुक्त किए जाने वाले हैं उसमें यादव और मुस्लिम मुक्त होने वाला है वो सारे जिले, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा है। तो मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की बात कर ली जाए कि उसमें प्रमुख पदों पर जो जिले को संभालते हैं, जिनमें जिले का बड़ा दायित्व होता है, उसमें कितने यादव हैं और कितने मुसलमान हैं। रिजल्ट मैंने इससे पहले आपको सामने बता दिया है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी की क्या स्थिति है और वहां पर कौन से अधिकारी नियुक्त हैं। तो चलिए लाइन से मैं आपको सबसे पहले अंबेडकर नगर के बारे में बता रहा हूं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है और कटहरी सीट में सपा नेता लालजी वर्मा पहले विधायक थे, उसके बाद 2024 में उन्हें लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिल गई, इसलिए वो विधायक पद से इस्तीफा दे दिए, सीट खाली हो गई। 2012 में भी ये सीट सपा के पास थी, 2017 में बीएसपी ने ये सीट जीती थी, 2022 के चुनाव में सपा ने कड़े मुकाबले में निषाद पार्टी को हराकर यहां से जीत हासिल कर ली थी। ये सपा की मजबूत सीट है, इस सीट पर यादव और दलितों का अच्छा प्रभाव है। अगर यहां अधिकारी की बात कर लें तो श्री अविनाश सिंह जो है वहां यहां के जिलाधिकारी हैं और डॉक्टर कौस्तुभ यहां के पुलिस अधीक्षक हैं। चलिए अब हम दूसरे विधानसभा में चलते हैं। दूसरी विधानसभा का नाम है मैनपुरी। अब मैनपुरी के बारे में बात करते हैं। मैनपुरी की करहल सीट है, बहुत प्रमुख सीटों में से एक मानी जाती है। यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन कन्नौज से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया इसलिए यह सीट खाली हो गई। यह सपा की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। ये यहां से आज तक जो है वो भाजपा नहीं जीती है ऐसा कहा जाता है। 2022 में अखिलेश यादव 67,500 वोटों के बड़े अंतर से जीते थे। यहां पर यादव लोगों का अच्छा प्रभाव है। पारंपरिक रूप से ये सब यादव परिवार की सीट है। मैंने शुरुआत में बताया है कि बीजेपी यहां से आज तक नहीं जीती है। अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात कर लेते हैं। मिल्कीपुर से सपा नेता अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर से विधायक थे, लेकिन 2024 में जब वो फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जीते तो ये सीट खाली हो गई। अब मिल्कीपुर सीट जो है 2012 में वो सपा जीती थी, 2017 में बीजेपी ने जीता था और 2022 में कड़े मुकाबले में यहां सपा जीत हासिल की थी। सपा की ये मजबूत सीट है, इसमें ब्राह्मणों और दलितों का अच्छा प्रभाव है। अगर अधिकारी की बात कर ले तो यहां मंडलायुक्त गौरव दयाल है, चंद्र विजय सिंह यहां के जिलाधिकारी हैं, प्रवीण कुमार पुलिस महानिरीक्षक हैं, राजकुमार नैयर यहां के वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक है।
आगे चलते हैं, अगली सीट पे चलते हैं, अगली सीट के बारे में रिपोर्ट बताते हैं आपको। चार नंबर पर है मुरादाबाद की कुंदरी की सीट। मुरादाबाद की ये कुंदरी की सीट, पहले यहाँ पे विधायक थे जियाउर रहमान बर्क थे। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने संभल लोकसभा में चुनाव जीत दर्ज कर ली। इसके बाद ये सीट खाली हो गई। सपा यहाँ 2012 में जीती है, सपा यहाँ 2017 में जीती है, सपा यहाँ 2022 में जीती है, इसलिए ये सपा की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ पर जो आयुक्त हैं वो अंजय कुमार सिंह हैं और जो अनुज सिंह हैं वो जिला मजिस्ट्रेट हैं। सत्यम मिश्रा यहाँ के ADM FR हैं। तो आगे अब अन्य जिलों के बारे में बताते हैं, ये सपा की मजबूत सीट है। कानपुर सीट के बारे में बात कर लेते हैं। कानपुर नगर की सीट है, सीसामऊ वहां की विधानसभा सीट का नाम है। यह अकेली ऐसी सीट है जहां पर अयोग्यता के कारण किसी विधायक को अयोग्य करार दे दिया गया था। तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी जो थे वो दोषी साबित होने के बाद सजा सुनाई गई थी, इसलिए यह सीट खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी का यहां भी बहुत दबदबा है। 2012 में समाजवादी पार्टी, 2017 में समाजवादी पार्टी और 2022 में भी समाजवादी पार्टी यहां पर जीत चुकी है। सपा की मजबूत सीट है, यहां पर मुसलमान ब्राह्मण दलित का अच्छा प्रभाव है। अधिकारी की बात कर ले तो अमित गुप्ता IAS अधिकारी हैं, वो मंडल आयुक्त कानपुर हैं। राकेश कुमार IAS अधिकारी हैं, वो जिला अधिकारी हैं। और अखिल कुमार IPS हैं, ये पुलिस आयुक्त हैं कानपुर नगर के। चलिए अब अगली सीट पर आपको ले चलता हूं। अगली सीट पर गाजियाबाद की विधानसभा सीट है। गाजियाबाद की विधानसभा सीट पे ये भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती है। भाजपा के अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा से विधायक थे। 2024 के लोकसभा में गाजियाबाद की लोकसभा से सांसद चुने गए, इसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। 2012 में यह सीट BSP के पास थी, 2017 में BSP के पास थी और 2022 में भी BSP के पास थी। ये BJP की मजबूत सीट है, लेकिन 2004 में समाजवादी पार्टी यहां से जीती थी। यहां पर जाटों और वैश्यों का अच्छा प्रभाव है। अगर यहां के अधिकारी की बात कर लें तो इंद्र विक्रम सिंह यहां के जिला अधिकारी हैं। सात नंबर पर बात कर लें तो मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट है। मीरपुर सीट के बारे में मैं कुछ बता देता हूं। मीरपुर सीट RLD के खाते में है। चंदन चौहान 2022 में यहां से विधायक थे, पहले विधायक थे, लेकिन 2024 में RLD ने यहां पर इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया और चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई। समाजवादी पार्टी के जो दीपक सिंह हैं उन्होंने उन्हें यहीं पर 366,985 वोट प्राप्त हुए थे। 2012 में ये सीट BSP के खाते में थी, 2017 में BJP के खाते में थी और 2022 में RLD और सपा का गठबंधन था, इसलिए वहां से चंदन चौहान ने जीत हासिल की थी BJP के प्रत्याशी को हराकर। इस सीटों पर जाटों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है। इस सीट के जिलाधिकारी की बात करें तो अरविंद मल्लपा बंगारी हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है वो अभिषेक सिंह है। आठवें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आठवें नंबर पर सीट है मिर्जापुर की मझावा सीट। सीट के बारे में मैं कुछ बता देता हूं। मझावा सीट से निषाद पार्टी के विधायक थे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। 2024 में लोकसभा में इनको टिकट दे दी BJP ने और वो भदोही सीट से लोकसभा टिकट दे दी और वहां से सांसद बन गए। उसके बाद से मझावा सीट जो विधानसभा थी वो खाली हो गई। अगर इस सीट की बात करें तो 2012 में यह सीट BSP के पास थी, 2017 में BJP के पास थी और 2022 में BJP की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने यहां से समाजवादी पार्टी को हरा दिया था। BJP की ये मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। यहां पर यादव मौर्य निषाद दलित ब्राह्मण का अच्छा प्रभाव है। अगर यहां के मंडलायुक्त की बात करें तो डॉक्टर मुद्धू कुमार सामी भी यहां IAS अधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं। श्रीमती प्रियंका निरंजन यहां पर जिलाधिकारी हैं। राकेश सिंह जो है वो IPS हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक हैं और श्री अभिनंदन जो है वो IPS हैं, वो पुलिस अधीक्षक हैं। चलिए इसके बारे में हम अगर 9 नंबर सीट पे चलते हैं तो 9 नंबर सीट को मैं प्रयागराज को रखा हूं। फूलपुर विधानसभा की सीट है। इस सीट पर अगर हम बात करें तो इस सीट में BJP के प्रवीण पटेल पहले विधायक थे। 2024 के लोकसभा में वो फूलपुर लोकसभा से सांसद चुन लिए गए, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो कमजोर हो गए। यहां पर 18,000 वोटों से वो पीछे थे, जबकि 2022 के चुनाव में लगभग 3,000 वोटों से आगे थे। 2012 में यह सीट सपा की थी, 2017 में BJP की जीत थी, 2022 में भी BJP ने कड़े मुकाबले में इस सीट को जीत लिया था। यहां
जहां दलित और यादवों का अच्छा प्रभाव है। अगर प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन में पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज के श्री चंद्र प्रकाश द्वितीय हैं और श्री रमिता शर्मा यहां पे पुलिस आयुक्त हैं और श्री नवनीत सिंह चहल जिला अधिकारी हैं और श्री विजय विश्वास पंत जो है वो मंडल आयुक्त है। ये जितनी भी जानकारी है मैंने उत्तर प्रदेश की ही वेबसाइट से निकाली हुई है, जो NIC की वेबसाइट है, जो इस पर लिखा हुआ है वही मैं पढ़ दे रहा हूं। और अगर हम अब इसके आगे चलते हैं तो 10वें नंबर के है अलीगढ़ की खैर सीट। इस सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी के अनूप सिंह 2022 में यहां से विधायक थे, लेकिन 2024 में वो हाथरस लोकसभा को जीत लिए, उसके बाद से ये सीट खाली हो गई, इसलिए दोबारा इस पे विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 2012 की बात करें तो ये RLD के खाते में थी, 2017 में ये बीजेपी के खाते में थी, 2022 में भी ये बीजेपी के खाते में थी। बीजेपी यहां की मजबूत सीट मानी जाती है, मजबूत है सीट पे। यहां पर जाट, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम लोगों का अच्छा प्रभाव है। अगर यहां के प्रशासन के बारे में बात करें तो जो यहां पे मंडल आयुक्त हैं वो श्रीमती चैत्रा वी हैं और श्री शलभ माथुर यहां के DIG हैं, विशाखा जी यहां की जिलाधिकारी हैं और श्री संजीव सुमन यहां के पुलिस अधीक्षक हैं। तो ये वो 10 विधानसभा थी जिसके बारे में यहां पे कौन से अधिकारी नियुक्त हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया है। क्या स्थिति है वर्तमान में, यही जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि मैंने उन तमाम अधिकारियों का नाम नहीं लिया जो यादव हैं और मुसलमान हैं और उत्तर प्रदेश में नियुक्त हैं। तो ये दावा आपका सही हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी अधिकारी जिलाधिकारी नहीं है, ना ही कोई पुलिस कप्तान है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।